हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ फ्रिज को कैसे क्लीन रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ना हम कोई खर्चा करेंगे। घर में ही जो चीज़ें पड़ी होती है हम उसी से ही अपने फ्रिज को अरेंज करेंगे। और कैसा भी फ्रिज हो आपका, छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जो फ्रिज छोटे हैं उनमें भी आप बहुत ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी का फ्रिज है। इस वक्त मैं अपने पियर में हूँ, यस मैं अपने मायके में हूँ। तो मैं मम्मी के फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले वो किस चीज़ों को, मतलब किस तरीके से अरेंज करते हैं, किस तरीके से रखते हैं। तो ये देखिए, ये जो वेजिटेबल बास्केट होती है तो वो उसमें इस तरीके से सारी वेजिटेबल्स भर देती हैं, पॉलीथीन के साथ ही डाल देती हैं, जस्ट बिकॉज वो भी काफ़ी एजिड हैं और मतलब अकेली रहती हैं तो ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ चीज़ों को इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ जिससे कि वो उसी पैटर्न पे अगेन अगेन एंड अगेन काम करती रहेंगी। तो ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट उनका फ्रिज वगैरह सब कुछ क्लीन ही था, बस हल्का फुल्का ही, ज़्यादा गंदा भी नहीं था। तो मुझे ज़्यादा वैसे टाइम नहीं लगा। तो फिर मैं थोड़ा सा सारा सामान खाली करके फिर मैंने इसको क्लीन किया। तो कुछ स्टेन ऐसे लगे हुए थे जो कि रिमूव नहीं हो रहे थे। तो फिर उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसको मैं, मतलब घर में ही सारा सामान मिल गया था, जो विनेगर होता है, फ्रूट विनेगर, मैंने वो यहाँ पर लिया है। कोई सा भी विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं बट वाइट विनेगर होना चाहिए, चाहे आप चिली का ले लीजिए, चाहे किसी का भी ले लीजिए। और उसमें मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर डाला है, आप चाहें तो डिश वॉशर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप डिटर्जेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो सोप का थोड़ा सा टुकड़ा भी डाल सकते हैं। और बस इस तरीके से अच्छे से पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स करके एक पतला सा हमें लिक्विड बना लेना है। फिर उससे आप अपने पूरे फ्रिज की क्लीनिंग कीजिए। एक तो जितनी भी डर्टी स्मेल होगी वो भी निकल जाएगी और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने नीचे वाला जो ड्रॉल था उसको क्लीन करके साइड से रख दिया है सूखने के लिए, और बाकी का मैं फ्रिज खाली कर रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैंने अगेन उसी घोल से पूरे फ्रिज को अच्छे से स्क्रबिंग करके क्लीन किया। और सबसे पहले तो मैंने अच्छे से उसकी स्क्रबिंग की, जो भी स्टेन वगैरह थे उनको निकाल दिया, और जो भी कांच वगैरह के सामान थे मैंने पूरा प्रॉपर नहीं निकाला, बिकॉज इतना ज़्यादा फ्रिज गंदा नहीं था, हल्का फुल्का ही गंदा था। तो मैंने ऐसे ही क्लीन कर लिया। अगर आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा है तो आप महीने या दो महीने में एक बार सारा सामान निकाल कर आप उसे ज़रूर वॉश कीजिएगा। अदरवाइज आप ऐसे ही वॉश कर सकते हैं हफ्ते टू हफ्ते। अगर आप क्लीनिंग करते रहेंगे, थोड़ी सी भी पोंछा इस तरीके से करते रहेंगे, तो आपका फ्रिज कभी डर्टी नहीं दिखेगा, कभी मैसी नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट हमेशा क्लीन रहेगा। तो बस इस तरीके से, देखिए मुझे बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगी, बस हल्का सा ही सामान निकाला किया। तो अब ये मम्मी से इतना भी नहीं हो पाता मतलब क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन या मतलब ऑफलाइन एक शीट मिलती है फ्रिज की, है ना, जिसको हम इस पर मतलब जो भी हमारे कांच वगैरह के स्ट्रैप लगे होते हैं उन पर हम उन्हें स्प्रेड कर देते हैं, तो जिससे कि हमारा कोई भी सामान वगैरह गिरता है तो हम उन्हें इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर उनका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह नहीं करवा सकती थी, नहीं करवाना चाहती थी। तो फिर मैंने कुछ ऐसे ही सस्ते से जुगाड़ लगाए। ये देखिए, पहले तो मैंने फ्रिज अच्छे से क्लीन कर लिया है, अभी ये जो डोर वाला हिस्सा है उसको नहीं किया है। वही क्या, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाइट ऑन करके कर रही हूँ क्लीनिंग, तो लाइट ऑन करके मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही थी और स्टैंड रखने की भी मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मुझे फ़ोन से बनाना पड़ रहा था, इसलिए मुझे प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने फ्रिज की लाइट को ऑन रखा। फिर मैंने मम्मी के कवर्स वगैरह थोड़े से सर्च किए और उसमें मुझे कुछ ये इस तरीके के फूड कंटेनर्स मिल गए, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं में ही अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनमें जो वेजिटेबल वगैरह थी उनको अरेंज किया। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर किया था कि मैंने वेजिटेबल को पहले ऐसे ही भर दिया, फिर मतलब मुझे लगा कि वेजिटेबल्स को हमेशा वॉश करके ही अपने फ्रिज में रखना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पर जब मतलब दूसरी पॉलीथिन खोली तो उसमें ये मतलब कच्ची कैरी थी, तो फिर मैंने इसको सबसे पहले वॉश किया। ये थी बहुत चिपचिपी हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। देखिए, वॉश करने के बाद फिर सारा पानी निकाल कर फिर हम इनको फ्रिज में अरेंज करेंगे। इसी तरीके से मैंने बाद में जो टिंडे थे उनको भी क्लीन कर लिया था और साइड से रख दिया था। तो अब यहाँ पर देखिए, मम्मी ने जो पुदीना वगैरह है वो भी इस तरीके से पॉलीथिन में ही रखा हुआ था, बिकॉज थोड़ा बहुत वो थक जाती हैं जब सब्जी वगैरह लेकर आते तो वो ऐसे ही डाल देती हैं। तो अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज कर दूंगी तो वो उसी पैटर्न पे ही काम करती रहेंगी। जो चीज़ें मैं एक्यूरेट करके जाऊँगी देन वो उसी में ही करती रहेंगी, इतनी तो क्लीनिंग वगैरह वो करती रहती हैं।
तो यहाँ पर देखिए जितने भी मतलब पुदीना ऐसे ही भर कर रखा, तो मैंने इसको साफ करके और इसको अच्छे से वॉश करके रख दिया। अगर आप धनिया वगैरह को भी इस तरीके से स्टोर करना चाहते हैं, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो हम इनको कैसे स्टोर करें हमारे लिए बहुत ही मतलब काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। तो इस तरीके से अगर आप पुदीना वगैरह लाते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके ही फ्रिज में रखा कीजिए, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्योंकि काट तो मतलब जब भी हमें सब्जी वगैरह या किसी लिक्विड में यूज़ करना हो तो हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बॉटल स्टैंड में भी मैंने क्लीन करके और उसमें बॉटल थोड़ी अरेंज कर दी, और साइड से कुछ ये हल्के छोटे छोटे से ड्रॉल दिए हुए थे मम्मी के, तो मैंने उनको, मम्मी कभी यूज़ नहीं करती थी तो मैंने उनको भी यूज़ किया है। और फिर मैंने मम्मी के थोड़ा सा ढूंढा तो उनकी एक साइड से ड्रॉल वगैरह थी, उसमें ये पॉलीथीन शीट बिछी हुई थी, तो मैं उसे वहाँ से निकाला ही, पर ये थोड़ी सी गंदी थी। तो सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, ये देख सकते हैं आप लोग कितने सा स्टेन वगैरह लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से स्टेन किया, जितने भी स्टेन इसके रिमूव हो सकते थे मैंने रिमूव किए। फिर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि मम्मी के मैं टू लेयर्स है तो वैसे थ्री लेयर्स, बट मुझे टू का ही यूज़ मतलब हुआ तो मुझे टू लेयर्स मिल गई, तो मैंने इस तरीके से इसे स्प्रेड कर दिया। तो इससे क्या कि अब कोई भी चीज़ अगर फैलती है, जैसे लाइक थोड़ा सा दूध या सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत झलक ही जाती है तो इन्हीं पॉलीथिन्स में आएगा। तो इन पॉलीथिन्स को क्लीन करना काफ़ी ईजी होता है, हाल निकाल कर आप नॉर्मल स्क्रब एक फेर देंगे ना तब भी क्लीन हो जाएगा, अदरवाइज़ आप निकाल कर सिंक में भी ईजिली वॉश कर सकते हैं। नीचे का जो ड्रॉल मैंने क्लीन करके लगाया था उसको भी मैंने अरेंज किया है। अब उसमें जो मम्मी सब्जियां एक साथ स्टोर कर देती थी उसकी बजाय मैं यहाँ पर अलग अलग सब्जियों को सेक्शन वाइज सेक्शन डिवाइड करके यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं मिला। मैंने बहुत सर्च किया पर कुछ ऐसा मुझे जुगाड़ मिला नहीं, तो अगर जैसे ही मिलेगा मैं आपके लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगी। तो फिर भी मैंने इस तरीके से अरेंज की है कि सब्जियां आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि एक के नीचे एक दब जाती हैं तो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप एक ही ड्रॉल को यूज़ कर रहे हैं अपनी चार पांच सब्जियों को रखने के लिए तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो इसके ऊपर एक लेयर भी आप बना सकते हैं। अगर जैसे ही मुझे यहाँ पर कुछ सामान मिल जाएगा, अभी मैं 15-20 दिन और हूँ, जैसे ही कुछ मिल जाएगा तो मैं उसका भी वीडियो शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए अब बात करते हैं, अब मेरे पास यहाँ पर मम्मी के पास देखिए जो मतलब इनका जो मतलब पुदीना वगैरह था, तो मैंने उसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से अरेंज किया, छोटे छोटे ड्रॉल मैंने बोला था ना है साइड से, तो एक में मैंने लेमन और ग्रीन चिली वगैरह थोड़ी सी पड़ी हुई थी उनके लेमन्स वगैरह ग्रीन चिली उन्हीं में रख दी है। नेक्स्ट मैंने टोमेटोज वगैरह रखे, फिर थोड़ा सा और था तो उसमें मैंने कुछ उनका सामान रख दिया, पता नहीं क्या भरा था। तो इस तरीके से और नीचे वाले क्लीन किया, तो फिर यहाँ पर देखिए कितना सारा करी पत्ता है मम्मा ने स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर शायद नहीं बार बार मिलता होगा तो वो स्टोर करके रखती होंगी, तो मैंने इसको इस तरीके से अगर फिर मैंने कहा पॉलिथीन में रखने की बजाय एक बॉक्स अरेंज करते हैं उसमें रखते हैं, तो ये वाले बॉक्स को यहाँ पर मतलब कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर मैंने ये जो कंटेनर ढूंढा मतलब मम्मी का खाली पड़ा हुआ था, थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था तो मैंने इसको खाली कर लिया, और इसमें पहले मैंने जो पुदीना धोकर रखा था तो मैंने उसको इसमें भर दिया। इसी तरीके से अगर आप कुरिएंडर वगैरह भी आपके पास है तो इस तरीके से आप रखिए, इनकी सेल्फ लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो छोटा सा बॉक्स भी मुझे मिल गया था, ये शायद बैंगल बॉक्स है, तो ये मुझे मिल गया था, तो इसमें मैंने करी पत्ते रखे। जब मैं रख रही थी तो करी पत्ते ज़्यादा थे तो मैंने इसको चेंज कर दिया करी पत्ते को, फिर मैंने बड़े वाले बॉक्स में डाला और कुरिएंडर और जो पुदीना थे उसको मैंने इसमें डाला। तो इसी तरीके का एक और है जो कि अगर कुरिएंडर आएगा तो मैं उसमें कुरिएंडर रख दूंगी। कई बार हम इस तरीके के फूड पैकेट्स को अपने फ्रिज में करते हैं जिससे कि ख़राब ना हो, सूजी हो, मैदा हो, समा के चावल वगैरह हो, तो ये व्रत के मम्मी के चावल वगैरह हैं, तो इनको मैंने रखने के लिए इनकी जो एयर थी उसको निकाल दिया एक हल्का सा होल करके, जिससे कि अभी इस तरीके से थोड़ी सी जगह में ही आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर का सेक्शन इनका खाली था तो जो भी इनका व्रत का सामान था उसमें मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया। कुछ और यहाँ पर फूड सैशे थे उनको भी मैंने इसी सेक्शन में रख दिया, और ये उनका कुट्टू का आटा वगैरह कुछ है व्रत का, शायद सिंघाड़े का आटा वगैरह है, तो ये था। तो मुझे बॉक्स वगैरह ढूंढा नहीं मिला, एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं थे उनके पास, वरना मैं इसको भर के रख देती। तो और फिर इतना बड़ा बॉक्स तो शायद फ्रिज में आता नहीं, इसलिए फिर मैंने इसको पॉलीथिन में ही रहने दिया। यहाँ पर मैंने पुदीना और कोरिएंडर को अरेंज कर दिया है, तो जब भी यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्रिज के जो डोर वाला हिस्सा होता है उसको अरेंज किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितने एक्यूरेट तरीके से मैंने इन सबको अरेंज कर दिया है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने सामान को अरेंज किया है, जो भी उनका दूध वगैरह था, आप ये बास्केट को देख सकते हैं। इस तरीके से चारों सब्जियां अलग अलग पार्टीशन में मैंने डिवाइड करके रखी हुई, जिससे कि मतलब मिक्स नहीं होंगी आपस में।
और यहाँ पर अगर आप जगह नहीं है तो और इसी में आप और भी सब्जियों के बॉक्सेस अगर रख सकते हैं तो आप बॉक्सेस में भी रख सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा बॉक्स है, 4 से 5 बॉक्स है, तो आप इस बास्केट में बॉक्स में डाल के ही सारी सब्जियाँ रख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 बॉक्स थे और ऊपर थोड़ी सी स्पेस था तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से अरेंज किया। अभी और भी स्पेस है तो अगर और भी सब्जियाँ मम्मी की होती तो मैं उनको भी यहाँ पर रख देती। ऊपर का ड्रॉल भी मैं देखिए पूरा खाली हो चुका है। और यहाँ पर जब मैंने फ्रीजर चेक किया तो फ्रीजर में मटर भी मम्मा ने इस तरीके से ही रखी हुई थी, तो मैंने इसको भी इस तरीके से कंटेनर्स में डालकर रख दिया। ये मुझे चॉकलेट का कंटेनर के पास मिल गया था जो कि ऊपर ही पड़ा हुआ था, मैंने दिखाया था आपको। तो इसमें मैंने इस तरीके से जो भी मटर वगैरह थी, फ्रोजन मटर थी, तो मैंने इसको इस तरीके से रख कर और फ्रिज में अब मैं इसको स्टोर कर दूंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मम्मा आइस जमाती हैं इसमें इस तरीके से, और आइस पैक वगैरह रखा हुआ था जो कि ऑलमोस्ट हमेशा ही रखा ही रहता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मटर रख दी है। तो ये देखिए अब इस तरीके से सारा फ्रिज जो है अरेंज हो गया है, आप लोग देख सकते हैं अंदर से इसका लुक है ना। तो जितना था मैंने कर दिया, अब थोड़ी सी क्लीनिंग हम ऊपर से भी कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर से भी मैंने थोड़ा बहुत जो मतलब धूल वगैरह थी उसको क्लीन किया। ऊपर का हिस्सा भी जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कितना मैसी था, उसको भी मैंने सारा सामान हटा दिया है, क्लीन कर दिया है। और अब मुझे कुछ पॉलीथिन मिली नहीं थी, जो स्ट्रेसेस पेपर होते हैं नहीं मिले, तो मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर का, मम्मी ने यूज़ किया था तो मैंने भी दूसरा चेंज करके वही कर दिया। लेकिन मैंने उनको बोला है पेपर लाने के लिए, तो जैसे ही वो लेके आएंगे फिर मैं आपको मतलब उसी से फ्रिज का कवर कैसे बना सकते हैं, फ्रिज को कैसे कवर अप करके रख सकते हैं, उसका वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरीके से देखिए मैंने उसी लिक्विड से ही मैंने फ्रिज को वॉश किया है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था विनेगर वाला, उसी से ही मैंने सारे फ्रिज को बस पोंछ दिया है इस तरीके से। और देखिए कितने अच्छे से चमक रहा है, जो भी इसके शाइनिंग पार्ट्स है वो बहुत अच्छे से चमक रहे थे। और ये देखिए सारा फ्रिज मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, आप देख सकते कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से अब मैं आपको इसका पूरा अभी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से हुआ है ये, किस तरीके से मतलब सारा सामान एक बार मैं आपको और दिखा दूंगी। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो थोड़े से स्टेन वगैरह लगे थे उनको भी क्लीन किया। अभी ये थोड़ा सा फ्लोर पे फैला हुआ था, उन सबको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ऑलमोस्ट पूरी किचन अच्छे से क्लीन कर दी है। तो ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं सारा सामान कितने एक्यूरेट तरीके से मुझे, और जो मैंने ये पेपर पर मतलब बिछाए मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आए, उनको ये वाला मेरा आइडिया बहुत पसंद आया कि हाँ ये बहुत अच्छा किया। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे ये जुगाड़ कैसे लगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ऐसे मोर हैक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अपनी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे से जुगाड़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।